जी हाँ दर्शकों नमस्कार, खबर यूपी तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भूरेलाल कुशवाहा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों पर। इसके पहले खबर यूपी तक का निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी खबर सबसे पहले अपलोड हो और आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँच सके। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों पर। जी हाँ दर्शकों नमस्कार, खबर यूपी तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जी हाँ दर्शकों, एक्सप्रेस वे पर चलती बस में किशोरी के साथ रेप, बस के परिचालक ने नाबालक से किया दुष्कर्म। सिकोहाबाद थाना में मामला दर्ज, 5 घंटे के भीतर दुष्कर्म का मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से औरैया जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट स्लीपर बस, किशोरी के साथ कंडक्टर पर दुष्कर्म करने का लगा आरोप। आरोपी मथुरा क्षेत्र में बस से उतरकर भाग गया, जबकि किशोरी के साथ यात्रा कर रही उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने सिकोहाबाद में बस को पकड़ लिया, जहां मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी अंशु को 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। थाना सिकोहाबाद निवासी एक महिला अपनी 14 वर्षीय पुत्री और 17 वर्षीय भतीजी के साथ प्राइवेट स्लीपर कोच बस में दिल्ली से सिकोहाबाद के लिए सवार हुई थी। महिला का आरोप है कि जेवर टोल प्लाजा के समीप बस के कंडक्टर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। सिकोहाबाद पहुंचने से पहले ही महिला ने अपने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। बस के पहुंचते ही सिकोहाबाद में बस को घेर लिया। महिला से बात हुई, बच्चों से बात हुई, इंस्पेक्टर सविता सेंगर हमारी इंस्पेक्टर महिला है, उनके साथ उस महिला की बात कराते हैं, FIR लेके देती है। FIR हो गई है, लड़कियों का मेडिकल हो रहा है, तीनों का ही हो रहा है मेडिकल। और जो शिकायत है जिस लड़की की कि हमारा बलात्कार हुआ, उसका मेडिकल करवा रहे हैं। जो दो नाम आए हैं अंशु और मंजू, उसके लिए हमारी टीम रवाना है, क्योंकि माठ की लोकेशन आ रही थी, उतर गए थे नवजील टप्पल के पास, वहाँ मेरी टीम हो गई है। तो सबसे मथुरा से बात हो गई है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा। रहने वाले इटावा के हैं, वहाँ मेरी टीम हो गई, SSP इटावा से बात हो गई, ये टीम वहाँ गई है। एक टीम हमारी लगी हुई है बस का पूरा मूवमेंट चेक करने के लिए, कब कहाँ चली कहाँ रुकी। फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है, वो उसका उठा रही है जो चीज़ें, फिंगरप्रिंट या जो भी चीज़ें वहाँ रैपर खराब के हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अभी घंटे दो घंटे में हम मजलों को गिरफ्तार कर लेंगे और उनका मेडिकल करा करके FIR हो चुकी है, करा के मेडिकल पूरी कार्रवाई अभी के लिए कर रहे हैं।